नमस्कार, मैं भावना पैंस एंड ओवंस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे जामुन का शरबत। गर्मियों में जावा प्लम्स या जिसको हम जामुन बोलते हैं वो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, खासकर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। हम जामुन का कंसनट्रेट बनाएंगे और फिर उसको शरबत के रूप में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले 1 किलो जावा प्लम्स या जामुन लेंगे, उसको एक पैन में लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से बॉईल करेंगे जब तक कि जामुन सॉफ्ट न हो जाए। जामुन अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम इन्हें ठंडा करने के लिए रखेंगे। ठंडा करने के बाद हम इनके बीज निकालेंगे। इनके बीज निकालना भी बहुत ही आसान है। ठंडा होने के बाद आराम से आप इसका बीज निकालेंगे और ये निकल जाएगा। इस तरह से आप सभी बीज निकालकर अलग रख दीजिए। जामुन के बीज डायबिटीज़ में बहुत ही फ़ायदा करते हैं। आप इनको फेंकिए नहीं, इनको अच्छे से धोकर सन ड्राई कर और पाउडर बना लीजिए और उसको आप अपनी डाइट में यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास ये जामुन का पल्प रेडी हो गया है। हम इसको मिक्सर में अच्छे से पीसेंगे। इस टाइम पे जामुन का ये बहुत ही नेचुरल फॉर्म में जूस अवेलेबल है हमारे पास। अगर आप इसका कंसंट्रेट नहीं बनाना चाहते हैं तो इसी जूस के अंदर आप खूब सारे क्यूब्स डालकर थोड़ा सा लेमन जूस, नमक, काला नमक और चीनी डालकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और डायबिटीज़ के पेशेंट्स इसके अंदर चीनी की जगह शुगर फ्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज हम इसका कंसंट्रेट बना रहे हैं। इसको बना के आप लगभग 2 महीने तक आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं और जब चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो हमारा पल्प रेडी हो गया है इसको हम पकाएंगे लगभग 10 मिनट के लिए। जब इसके अंदर उबाल आने लग जाएगा तब हम इसके अंदर 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच काला नमक, लगभग 1.5 चम्मच के करीब भुना हुआ जीरा, और 200 ग्राम चीनी डालेंगे और इसको हाई फ्लेम पर कम से कम 10 मिनट के लिए पकाएंगे। जामुन कंसंट्रेट बनकर रेडी हो गया है। मुझे ये पल्पी ही अच्छा लगता है, मगर आप चाहें तो इसको छानकर भी बॉटल में भरकर रख सकते हैं और जब चाहें तो इसका ड्रिंक बनाकर पी सकते हैं। अब हम इस कंसंट्रेट से अपना ड्रिंक रेडी करेंगे। हम एक जग के अंदर खूब सारा आइस लेंगे और उसके अंदर ये कंसंट्रेट डालेंगे, चिल्ड वाटर, जूस ऑफ 1 लेमन, 1/2 टीस्पून फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा जामुन शरबत बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि नए रेसिपीज़ के वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।